हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर कास्ट चैनल पर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं परमाणु भार के बारे में, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जिससे बहुत ज्यादा समस्या होती है। ठीक, तो परमाणु भार क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। इसमें खास करके हम लोग सीखने वाले हैं कि जो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 यानी 20 तक के, 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व होते हैं उनके भार बार बार मिलते हैं, हर टॉपिक में आपको मिलते रहेंगे। तो ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर करेंगे कि जो परमाणु भार है वह 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ट्रिक आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको याद रखना क्या है, याद रखना ये है फ्रेंड्स, एक सम याद रखना है, एक क्या याद रखना है, विषम। ठीक, एक सम याद रखना है, एक विषम पद तक के लिए याद रखिएगा, कितने तक के लिए, 1 से 20 तक के सम संख्या को अलग, विषम संख्या को अलग कर लीजिए। ठीक, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की सम संख्या को अलग, विषम संख्या को अलग कर लीजिए, बस बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। हाँ, एक बात याद रखनी है, वो बातें याद क्या रखनी है, देखिए ध्यान से। ठीक, बातें याद याद रखनी है कि एक को संख्या एक परमाणु क्रमांक यानी हाइड्रोजन को ना आप सम में सम्मिलित करेंगे ना ही विषम। ठीक, हाइड्रोजन को ना ही आपको सम में सम्मिलित करना है ना ही विषम में करना है। ठीक, तो हाइड्रोजन का आप ऑलरेडी याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का होता कितना है, 1 होता है। ठीक, बाकी आप सम अलग कर लीजिए, विषम अलग कर लीजिए, देखिए क्या क्या होता है। अब देखिए, एक हाइड्रोजन हो गया, 2 नंबर पर आता है आपका हीलियम। ठीक, नोट करते रहिए, 3 नंबर पर आ जाएगा लिथियम, याद करिए, 4 पर आएगा बेरिलियम, 5 पर हो जाता है बोरान। ठीक, ऐसे 6 पर हो जाता है आपका कार्बन, 7 पर हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक, 8 पर होगा आपका ऑक्सीजन, 9 पर होगा आपका फ्लोरीन। ठीक, 10 पे होगा आपका नियान और 11 पर हो जाएगा सोडियम। ठीक, आगे देखिए, 12 पर होगा आपका मैग्नीशियम। ठीक, 13 पर होगा आपका एल्युमिनियम। और सम और विषम का क्या इसमें है चीज देखेंगे। देखिए, सम का मतलब इसमें क्या है, इस सम का मतलब संख्या का दोगुना करिएगा, किस क्या करना है, दोगुना करना है, जो आएगा वही आपका क्या नजर आएगा, वही बिल्कुल हो जाएगा भार। ठीक, सम का दो गुना करेंगे क्या नजर आएगा, भार नजर आएगा। कैसे आएगा, देखिए सम 2 है, अब इस 2 का क्या कर दीजिए, 2 गुना, यानी हो जाएगा कितना, 4। और ये 4 बताइए, इस हाइड्रोजन के बाद जो आपका हीलियम है, ये हीलियम का क्या नजर आ गया, भार। ठीक, फिर से देखिए अगला, ये देखिए यहाँ पर है आपको 4 नजर आ रहा है, इसका 2 गुना करिए, इसका 2 गुना करेंगे 8। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, बस यही याद रखनी है कि सिर्फ इसका याद रखिएगा कि भार 9 होता है, 9, जो कि बिना ट्रिक पर या ट्रिक पर नहीं आ पाते हैं। एक और बात याद रखनी है, इनका याद रख लेना है 14, जो कि ये भी ट्रिक पर नहीं आते हैं। बस 1 से 20 तक के आपके 2 याद करने हैं, बाकी सब आ जाएंगे। चलिए देखिए, 6 का 2 गुना करिए, 12 आ गया ऑक्सीजन, यानी 8 का 2 गुना करेंगे 16 आ गया, 10 का 2 गुना करिए 20 आ गया, 12 का 2 गुना करिए कितना आएगा, 24 आएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से भार निकल जा रहे हैं, क्या क्या करने हैं, 6 का 2 गुना देखिए 12, 8 का 2 गुना 16, 10 का 2 गुना 20, ठीक, 12 का 2 गुना 24, ये सब इसके क्या निकलते आ रहे हैं, भार निकलते आ रहे हैं। सम को अलग, विषम को अलग, विषम में क्या करना है, विषम में तो क्या करना है, 2 गुना करके इसमें 1 ऐड कर देना है, क्या निकल कर आ जाएगा बोलिए, भार निकल करके आ जाएगा। सम में 2 गुना भार आएगा, विषम में 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे। ठीक, क्या जोड़ेंगे, चलिए लिथियम, अब 3 का 2 गुना करिए, 3 का 2 गुना होता है 6, 6 में 1 जोड़ेंगे यानी कितना आएगा, 7, 5 का 2 गुना 10, 1 जोड़िए 11, 9 का 2 गुना 18, 1 जोड़ेंगे 19, 11 का 2 गुना होता है 22, 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। ठीक, ऐसे ही 13, 26, 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, देखिए बिल्कुल भार निकलते हुए आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को कहते क्या है, याद रखिएगा, ऐसे लोगों को कहा जाता है परमाणु भार। जब एक एक तत्व का हम लोग भार ज्ञात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कहलाता है परमाणु भार, जब एक साथ यौगिक का निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है अणु भार। ये भी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे कि अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए भी आपको आवश्यकता पड़ेगी इन्हीं लोगों की। ठीक, तो बताइए आपको आ गया कि नहीं समझ में, सम का 2 गुना भार निकल कर आएगा, विषम वाले का क्या करना है, 2 गुना में 1 जोड़ देना है, भार निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे और जान लेते हैं, ये देखिए 12 तक आगे हो गए हैं, यहाँ 13, आगे देखिए और सीख लेते हैं, यदि 14 पर कौन आता है बताइए, सिलिकॉन आता है, 15 पर कौन आएगा, 15 पर फास्फोरस होता है, 16 पर बताइए, 16 पर सल्फर हो गया, 17 पर होता है क्लोरीन, याद रखना है, 18 पर क्या होगा, 18 पर होता है आपका आर्गन, याद रखना है, 19 पर होता है आपका पोटेशियम होता है, ठीक, 20 पर होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम याद रखना है। अब इनके सम और विषम कैसे याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, देखिए सम विषम पर, अब चलिए सम वाले में हमने क्या कहा था, सिर्फ इनका क्या कर देना है, 2 गुना, क्या निकल कर आ जाएगा, इनका निकल कर आ जाएगा प्यारे दोस्त, भार निकल कर आ जाएगा। विषम वाले में क्या करना है बताइए, 2 गुना करना है, 1 ऐड कर देना है, क्या निकल कर आ जाएगा, इनका आ जाएगा भार निकल करके आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, क्या करना क्या है, 2 गुना करिए, इसमें कितना होगा बताइए, 14 गुना होगा 28, यानी इनका भार कितना आ गया प्यारे मित्र, 28 आ गया। इनका बताइए सिर्फ 2 गुना करिए, 16 गुना कितना होता है, 32 भार निकल कर आ गया। इनका 2 गुना करिए, 18 गुना होता है, 36 भार आ गया। ये बताइए 20 गुना कितना होगा, 40 होगा। देखिए भार कैसे कैसे परमाणु भार निकाले जाते हैं, सिर्फ सम वालों का 2 गुना करना है, विषम वालों में 2 गुना करके 1 ऐड कर देना है, तरीका यही है।
चलिए ऐड करिए इसमें जल्दी से, क्या करेंगे 15 का दोगुना करेंगे, 15 का दोगुना किया जाएगा 15 का, तो 15 गुणे दो प्लस एक कर देंगे, 15 का दोगुना करेंगे आ जाएगा 30, एक ऐड कर दिए हैं तो आ जाएगा 31, यानी 31 हो गया। इनका बताइए, इनका याद रखना है, आपको याद रखना है, फिक्स होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, ये होता है आपका 35.5। एक ये बातें याद रखनी है, इसके पहले हमने बताया आपको, एक यहाँ याद रखनी है, एक यहाँ याद रखनी है, ये सब कॉमन चीजें होती हैं, बाकी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें का, देखिए 19 है, इसका दोगुना करिए, 19 का दोगुना होता कितना है 38, एक जोड़ेंगे कितना होगा 39 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 39 हो गया, बिल्कुल आसानी से देखिए कितने तक हमने निकाला है 20 तक, ठीक, एक से लेके 20 तक के तत्वों का भार, या बोल सकते हैं परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, इसको दो भाग में डिवाइड करके, डिवाइड क्या करना था, डिवाइड सम और विषम करना था, क्या करना था ट्रिक के द्वारा, क्या ट्रिक था, सम और विषम करना था, सम करना था और क्या करना था, विषम करना था, सम में क्या करना है, विषम में क्या करना है, बिल्कुल आपके सामने रख दिया, सम वाले में दोगुना करना है आ जाएगा, विषम वाले में क्या करना रहेगा आपका, दोगुना करके एक ऐड कर देना रहेगा, ठीक, ये सब चीजें थी। चलिए अब इस पर आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल एक और बता देते हैं, जैसे अभी आपको कोई संख्या एक यौगिक में, जैसे यौगिक बोलते चल रहे हैं आप लिखते, देखिए कहीं अगर यौगिक आपको ऐसे मिल गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब इसमें कार्बन जो होगा आना चाहिए आपको क्या, कि कार्बन का नंबर पर होता है 6 नंबर पर होता है, ऑक्सीजन आपका का नंबर पर होता है 8 नंबर पर होता है, देखिए दोनों के दोनों क्या है, सम है, सम करेंगे इसका भार क्या हो जाएगा बताइए 12, ठीक 12, इनका बताइए सम वाला है सिर्फ दोगुना होगा कितना बार होगा, ऐसे 16 हो जाएगा, बिल्कुल यही तरीका है, और कोई इसमें तरीका नहीं है, आसानी से यही तरीका निकल कर आएगा, जब भी आपको किसी का भार निकालना रहे तो ये तरीका याद कर लीजिए, एक सम करना है एक विषम करना है, और हम आपको दे दे रहे हैं, और आप इसको देख लीजिए जल्दी से आसानी से कर लीजिए, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।